नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री, गणित का एक महत्वपूर्ण भाग, जो कि कई सारी एग्जामों का अपना एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि एमपीटेट होती है, राजस्थान की जो रीट एग्जाम होती है उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें सीजीएल होती है, सीएचएसएल होती है, और आपकी टेंथ लेवल की जो एग्जाम होती है वो तीनों के लिए भी एग्जाम है ना। उसके बाद आता है आपके पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी हमारा व्यापम मध्य प्रदेश का, उसमें जितनी भी एग्जाम होती है उसके संबंध में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास रेलवे की जो एग्जाम होती है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन, और उसके बाद जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उन सब में ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यामिति के बारे में पिछले चार चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, मतलब चार पार्ट पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री के चार पार्ट में पहले पार्ट में आपने पढ़ा बिंदु, रेखा और कोण। क्या पढ़ा आपने? बिंदु, रेखा और कोण। दूसरे पार्ट में आपने क्या पढ़ा? 10 प्रश्न पढ़े इससे संबंधित। तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट में आपने त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा और त्रिभुज के कुछ गुणधर्मों के बारे में सीखा। तो इस प्रकार से यहां पर आपने चार पार्ट में सीखा। आज हम पांचवें पार्ट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पांचवें पार्ट में? गेस करिए, त्रिभुजों के बारे में। क्या क्या चीज सीखना है अपने को त्रिभुज के बारे में? देखिए, हमारा त्रिभुज का ज्यामिति का ये चौथा पार्ट चल रहा है और उस चौथे पार्ट में हमारे पास त्रिभुज चल रहा है। अब हम पढ़ना है अपने को त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता का मतलब कॉन्ग्रुएंसी। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। सर्वांग समता क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वांग समता का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण ढकले। क्या ढकले? पूर्ण ढकले मतलब होता है पूरी तरह से जो कवर कर ले उसको बोलते हैं सर्वांग समता। हमारे जीवन में हम कई सारे उदाहरण देखते हैं सर्वांग समता के। सर्वांग समता के कई सारे उदाहरण में एक जैसे छोटी सी एटीएम देखा होगा आपने, एटीएम देखा ना, उस एटीएम का एक और आइडेंटिकल एटीएम अगर ऐसा कैसा पूरा एटीएम उसको अगर ढक लेता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वांग समता। यानी ऐसी कोई आकृति जो उसको पूरी तरह से ढक ले उसको क्या बोला जाता है? सर्वांग समता कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से जो चीजें होती है उसको क्या बोला जाता है? सर्वांग समता बोला जाता है। तो सर्वांग समता का मतलब होता है वह त्रिभुज या वह आकृतियां जो एक दूसरे को ढक ले। यानी इसका मतलब और अगर डाक देता, दो आकृतियां जो पूरी तरह से समान हो, दो आकृतियां जो पूरी तरह से समान, यानी दो आकृतियां अगर पूरी तरह से समान हो तो उनको बोलते हैं सर्वांग समाकृति। हमारे जीवन में कई सारी जैसे मकान पूरा को, जैसे मोबाइल है, अगर एक तरह का मोबाइल है और दूसरे तरह का मोबाइल है, अगर वो पूरी तरह से उसको ढक ले, पूरी तरह से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई अगर सब एक जैसे हो तो उस प्रकार से क्या चीजें होती है? वो चीज क्या होती है? सर्वांग सम होती है। तो आपने देखा होगा छोटी सी पेन है, अगर पेन में अगर आपने कोई आपको रिफिल डालना है, कोई नया रिफिल डालना है, खत्म हो गया, तो आपको वो रिफिल पूरी तरह से वो की वो चाहिए। कौन सी? अगर आपने उसमें कुछ भी छोटी हो गई बड़ी होगी तो वो उस पूरी पेन में फिट नहीं होगी। यानी कौन सी चीज चाहिए आपको? सर्वांग सम चाहिए। तो हमें किसी भी चीजों के बारे में, यहाँ पर आकृतियों के बारे में, हमें सर्वांग समता के बारे में पढ़ना। हमें हमारे कोर्स में है केवल त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या क्या पढ़ना है अपने को? त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है? तो जिस प्रकार से आपने देखा कि सर्वांग समता का मतलब होता है एक वस्तु जो उसको पूरी तरह से ढक ले,
या पूरी तरह से वो पूरी तरह से उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी सारी चीजें अगर एक दूसरे बनाओ खूब हूब चीज हो कहीं पर भी कोई भी अंतर नहीं जिसको अपन बोलते हैं डुप्लीकेट, अगर वो इस प्रकार की कोई चीज हो तो वो चीजें कहलाती है सर्वांगसम। अब हमें पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में यानी दो त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है कि एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा तो क्या चीज होगी जिसके कारण वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो यहां पर हम चीजें पढ़ेंगे कि दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता यानी सर्वांगसमता के बारे में पढ़ेंगे किनकी दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में। तो यानी इसका मतलब ये होगा दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि उनकी सभी संगत चीजें क्या हो बराबर हो यानी उसकी संगत में जितनी भी चीजें हैं वो अगर सभी बराबर होगी तो वो सभी दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे सर्वांगसम कहलाएंगे। सर्वांगसम का मतलब जैसे कि एक त्रिभुज ये खींचा ए बी सी और एक और त्रिभुज बनाया डी ई एफ यानी ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे जब उनकी सारी चीजें बराबर हो all the corresponding things will be equal। अगर उनकी सारी संगत चीजें अगर बराबर होगी तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। यानी everything corresponding will be equal the triangles are called congruent। मतलब क्या होता है सर्वांगसम कहलाएंगे। अब सर्वांगसमता के लिए रूल ये होता है कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसको लिखा ऐसे जाता है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ। ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है अगर ये त्रिभुज के सारी संगत चीजें इनके दोनों के बराबर है। संगत का मतलब अब देखो सबसे पहले तो संगत भुजा है यानी ए बी के संगत होगी डी बी सी के संगत होगी ई एफ और ए सी के संगत होगी DF। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर तीनों मतलब संगत भुजाएं ध्यान रखिए AB के संगत अगर EF हो गई तो फिर त्रिभुज DEF नहीं होगा। इसकी बिल्कुल सीक्वेंस है ABC तो त्रिभुज DEF। अब अगर यहां पे इनके सारे कोण बराबर हो सारे कोण का मतलब होता है संगत कोण बराबर हो कोण A बराबर कोण D हो कोण B बराबर कोण E हो कोण C बराबर कोण F हो यानी सभी दोनों त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर तो वो क्या होंगे। अब इसके बाद क्या यही चीजें होती है क्या दो त्रिभुजों में यही चीजें होती नहीं साहब त्रिभुजों में बहुत सारी चीजें होती है। अगर यहां से मैं अगर लंब डाल दूं तो ये क्या कहलाएगा इसका H1 और ये क्या कहलाएगा इसका H2 यानी इसकी ये हाइट तो दोनों की जो हाइट है वो भी बराबर होगी ठीक दोनों की माध्यिकाएं भी बराबर होगी माध्यिका को m1 अपान m1 बराबर m2। माध्यिका का मतलब होता है माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे हम किसी त्रिभुज की माध्यिका के बारे में कि किसी त्रिभुज की माध्यिका वह होती है जो उसकी संगत भुजा को मतलब सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है यानी एक ऐसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है वो दोनों माध्यिकाएं भी बराबर होगी ठीक। अब माध्यिकाएं बराबर हुई तो इनका पेरीमीटर भी बराबर होगा पेरीमीटर का मतलब इनका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग भी बराबर होगा यानी पेरीमीटर भी बराबर होगा। अगर पेरीमीटर है तो इनका सेमी पेरीमीटर भी बराबर होगा सेमी पेरीमीटर मतलब होता है अर्ध परिमाप ये भी बराबर होगा। ये बराबर हुए तो इनका एरिया भी बराबर होगा ए वन बराबर ए टू यानी इस प्रकार से अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होना है तो ये सारी चीजें उनकी बराबर होना चाहिए यानी अगर किसी त्रिभुज में अगर उनकी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं ध्यान रखिएगा संगत का मतलब संगत
एबी के संगत डी, यानी संगत भुजाएं बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत ऊंचाइयां, उनके जो आपके माध्यिका, उनके परिमाप, उनके अर्ध परिमाप, उनके क्षेत्रफल, अगर ये सारे बराबर हो तो ही दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। समझ पा रहे हो, यहां पे P का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर जिसको, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और A का मतलब होता है एरिया। तो क्षेत्रफल, अर्ध परिमाप और परिमाप, और यहां पे माध्यिका। देखिए अगर मैं लिख देता हूं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा, ऊंचाई यह होती है माध्यिका, यह होती है परिमाप, ये अर्ध परिमाप और ये क्षेत्रफल। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो ये तो बड़ी बात होगी, यानी हमें दो चीजों को सर्वांग सम करने के लिए इतनी सारी चीजों पकड़ पकड़ के बराबर करना पड़ेगी। अगर ऐसा करेंगे तो हमें शाम हो जाएगी सर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, यानी ग्यारह चीजें बराबर करोगे तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए क्या। यदि दो चीजों को सर्वांग सम का मतलब होता है दोनों चीजें हूबहू बेसिक बेसिक बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल बेसिक बेसिक चीजें, तो अब बेसिक चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या ग्यारह चीजें बराबर करेंगे, नहीं साहब। अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है या दोनों चीजों के सर्वांग सम होने के लिए, उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुण होते हैं, उसके कारण दोनों त्रिभुज क्या कह रहे हैं, सर्वांग सम। तो इसके सर्वांग समता के जो कंडीशन है, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे उसकी कंडीशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दो त्रिभुजों के सर्वांग सम कहलाएंगे जब भी उनके संगत, सभी संगत चीजें क्या हो, बराबर। अब यहां पे लिखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध, यानी उसकी कंडीशन क्या है। तो देखो इसमें पांच कंडीशन है, इसमें बहुत प्यारी चीजें, ध्यान से सुन लेना, मजा आएगा। पांच चीजें, सबसे पहले, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसी त्रिभुज में अगर 11 चीजें इसकी और उसकी दोनों बराबर हो संगत, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो क्या 11 चीजें बराबर करने बैठेंगे, नहीं बैठेंगे साहब। सबसे पहले जैसे कि एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज जैसे पांच चीजें बराबर करना है, तो देखो मैं पांचों के बारे में बताऊं। ये त्रिभुज है और एक और ये त्रिभुज है, अगर इसका ये कोण ए बी सी डी ई एफ, अगर इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण, और उसके बाद इसके बीच की भुजा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो कोण संगत कोण बराबर हो और उसके बाद उनके बीच की भुजा अगर बराबर हो जाए, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों के बराबर होने से वो बची हुई आठ चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हो, सर्वांग समता का मतलब क्या, मतलब ये हो रहा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब होता है उनकी ग्यारह चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी। अब ग्यारह चीजों के लिए यहां पर सर्वांग समता का पहला रूल ये बोल रहा है कि देखो यहां पर ध्यान रखिएगा आपको, एंगल के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, एंगल मतलब कोण, और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ए। भुजा, भुजा के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है साइड, और इसके लिए हम कैपिटल एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहली थ्योरम यह होती है एंगल साइड एंगल, क्या होती है, एंगल साइड एंगल, यानी दो कोणों के बीच की अगर एक भुजा हो जिसको बोलते हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अगर कोण भुजा कोण के बारे में हम बात करें, कोण भुजा कोण, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोणों के बीच में अगर एक भुजा बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। ध्यान से समझना, अगर दो त्रिभुजों में उन दोनों त्रिभुज के बीच वाली भुजा अगर बराबर हो जाए तो इस प्रकार से। तो परीक्षा में पता शानदार क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा में देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा आ गया, यहां पे 40 डिग्री दे दिया, ठीक है, और यहां पे भी दे दिया 40 डिग्री,
यहाँ दे दिया 60 डिग्री और यहाँ पे भी दे दिया 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या हुआ, ये भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी दे दी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा वो कि ये H1 अगर यहाँ पे दे दिया 20 सेंटीमीटर तो इसका H2 की वैल्यू कितनी है। तो साहब बताइए, देखो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर हो गए। ये देखो इसका संगत कोण इसके संगत कोण से बराबर है, इसका संगत कोण इसके संगत से बराबर है, और यहां पर कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें क्या लग गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में एक कोण अगर बराबर हो गया, दोनों एंगल के बीच में अगर एक भुजा बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी जो एच है वो भी वही होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर तो वो भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। सवाल एग्जाम कैसे आएंगे, आप सोचोगे सर सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुजों के जो सवाल है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली कौन सी, सर्वांग समता के प्रतिबंध में, कि दो कोणों के बीच में अगर कोई भुजा हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है इसके बाद बची हुई सारी चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि कोण सी जो होगा अब वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बाद मतलब इन दोनों भुजाओं के दोनों कोणों के बीच में जो भुजा है वो अगर हो गई बराबर इसके संगत, तो इसके बाद बची हुई सारी चीजें बराबर हो जाएगी, यानी कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा, बीसी आपकी EF के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद AC आपकी DF के बराबर हो जाएगी, और उसके बाद इसकी जो हाइट है इसकी हाइट से बराबर हो जाएगी, इसकी माध्यिका इसकी माध्यिका से बराबर हो जाएगी, इसका परिमाप इसके परिमाप से बराबर हो जाएगा, इसका अर्ध परिमाप इसके अर्ध परिमाप से बराबर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से बराबर हो जाएगा, मतलब सारी चीजें बराबर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ये त्रिभुज एबीसी ले लो, ए बी सी डी ई एफ। अभी क्या किया था आपने कि दो कोणों के बीच में भुजा, क्या किया था, दो कोणों, अब दो भुजाओं के बीच में का कोण, यानी अगर ये और ये दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर, इनके बीच का जो एंगल है वो भी अगर बराबर हो जाए, ठीक है, ये भी अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समांग। इसको कौन सा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड, सबसे पहले क्या है साइड, तो ये साइड हो गई, उसके बाद बीच में क्या है एंगल, एंगल हो गया, और उसके बाद क्या हो साइड, तो इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, एमपीटेट में और एक छोटी एग्जाम में, तो जनरली क्या और इसके प्रॉपर्टी में कि निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी के अनुसार त्रिभुज की सर्वांग समता हो सकती है, तो जो हम 5 लिखवाएंगे उसके अलावा छठी नहीं होती, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा में देखिए दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा से बराबर है, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा से बराबर है, और इसका ये कोण इस कोण से बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, और दोनों कोण अगर दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, और ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो इसकी बची हुई सारी चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद आता है तीसरा रूल, पहला रूल क्या पढ़ा, दो कोणों के बीच में भुजा, फिर दो भुजाओं के बीच में एक कोण, उसके बाद तीनों भुजाएं साइड साइड साइड, यानी देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा डी ई एफ, अगर त्रिभुज ए बी सी और डी इसमें अगर सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई, ठीक, अगर दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं एक दूसरे के संगत बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, तो इस प्रकार से यहां पर ये तीनों कोण जिसको अपन बोलते हैं भुजा भुजा और भुजा, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, यानी अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अगले त्रिभुज के एक और त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के अगर बराबर हो जाएगी तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब होता है इसका ये कोण इसके बराबर होगा, इसका ये कोण इसके बराबर होगा, इसका ये कोण इसके बराबर होगा, इसका लंब इसकी ऊंचाइयां इसकी माध्यिका इसकी परिमाप इसका क्षेत्रफल सब आपस में
बराबर होंगे। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम चौथी के बारे में। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, और एक और ले लेते हैं ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहां जो समकोण बनता है ये समकोण हो गया। ठीक, ये हो गया समकोण। उसके बाद ये क्या है आपका, ये इसके बराबर हो गए, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो गए, माना कि ये दोनों बराबर हो गए, इसको बोलते हैं, देखिए यहां पर जो कोण बनता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। तो यहां पर आर ले लिया, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब होता है कर्ण, और ये एच हो गया। इनमें से दोनों में से कोई भी एक भुजा ले लो, ये ले लो एस, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो और उसके दोनों संगत को, दोनों जो विकर्ण है वो संगत बराबर हो, और बची हुई दोनों भुजाएं मतलब लंब और आधार में से कोई भी भुजा अगर संगत रूप से बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम होगा। समझ पाया? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसका अगर कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर है, और उसका एक भुजा अगर उसकी संगत दूसरी भुजा से बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी ए ए एस। अब ए आपको यहां पे भी दिख रहा होगा ए ए, पर ये ए क्या है, इन दोनों कोणों के बीच में एक साइड थी। यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों कोणों के बाद बची हुई साइड, यानी यूं कह सकते हैं हम ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, यानी अगर से एंगल एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये कोण और ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। उसके बाद इसकी बची भुजा, इन दोनों के बाद माना कि ये भुजा ले लो, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, यानी दो त्रिभुज जिसको बोलते हैं कोण कोण और भुजा, कोण कोण भुजा, यानी इसका मतलब क्या हुआ ए ए एस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो कोणों के बाद दो संगत कोण बराबर हो, और उसके बाद उनकी बीच की भुजा, बीच की भुजा के लिए तो पहली प्रमेय आ चुकी है हमारे पास, उसके बाद बची हुई दो भुजाओं में से कोई भी एक भुजा ले ले, तो अगर वो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहां क्या सीखा कि पांच थ्योरम सीखी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर सभी कोण बराबर हो तो, और अभी यहां पे भी और भी चीजें हैं, जैसे कि ए डबल एस ले लो आप, तीनों कोण ले लो, और एस डबल ए ले लो। ठीक है, अब आपके मन में यह हो रहा होगा कि इस प्रकार की चीजें बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर इसको ऐसे ऐसे ले लो। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले इन तीनों के बारे में मैं बात बता रहा हूं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि उनकी 11 चीजें आपस में बराबर हो, बात करता हूं। ठीक, पर इसका मतलब क्या होता है दोनों चीजों के लिए, इसका मतलब होता है आपको वहीं पर शादी करना है किसी, है ना, अपने परिवार के किसी मेंबर की शादी करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके परिवार के हर सदस्य को आपके घर के परिवार के हर सदस्य के साथ मैच करेंगे। उसके अंकल जी मेरे अंकल जी जैसे दिखते हैं कि दिखते हैं, उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे दिखते हैं दिखते हैं, उसका अरे तो फिर ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कभी शादी नहीं होगी। फिर क्या करेंगे हम, उस परिवार के 11 गुणों को ना मिला के कुछ 5 गुणों को मिला लेते हैं। तो देखो ये पहला गुण हो गया कि दादाजी और ये पिताजी और उसकी मम्मी, अगर तीनों के गुण लगभग लगभग मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है हम बोलेंगे शादी या उसका सगाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दो परिवारों के बीच में रिश्ता तब जुड़ेगा जब 11 गुण ना करके, 11 गुण नहीं मिलाना आपने को, कितने गुण मिलाना? 3। तो 3 गुण मिलाना, कोण कोण भुजा,
क्या मिला ना, कोण, कोण, भुजा। ध्यान रखिएगा इसमें भुजा जो शब्द है वो दूल्हा मान लो या दुल्हन मान लो, इसमें देखो सभी में भुजा आ रही है, इसमें भी 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 भुजा आ रही है, इसमें भुजा आ रही है, यानी इसका मतलब होता है भुजा तो बराबर होना ही चाहिए प्रभु, दूल्हे के गुण और दुल्हन के गुण नहीं मिलेंगे तो फिर कोई काम नहीं है ना, फिर दादाजी ने दादी जी कुछ भी मिल लो कुछ मतलब नहीं, ये तीनों है ठीक है। इसमें देखो सभी एंगल मिलकर हम बराबर हैं पर फिर भी शादी नहीं होगी, सारे गुण बोल रहे हैं कि हम सब बराबर हैं हमारी शादी करवा दो, मतलब कुल मिला के आपको क्या है सर्वांग सम कर दो, मना कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है साइड तो सब में, तो सबसे पहले क्या है देखो, एक मेंबर दो कोणों के बीच में एक भुजा सर्वांग सम, दो भुजाओं के बीच में एक कोण सर्वांग सम, तीनों भुजाएं सर्वांग सम, संपूर्ण त्रिभुज RHS मतलब कर्ण और उसकी बची हुई भुजा कोई भी एक संगत तो सर्वांग सम, और दो कोणों के बाद पहली जो प्रॉपर्टी उसका जस्ट उल्टा, दो कोणों के बाद इस भुजा को ना छोड़ के उस भुजा को ले ले, तो ये पांच चीजें अगर बराबर हो जाएगी, अगर किसी परिवार में अगर आपको कोई रिश्ता करना है अगर ये पांच चीजें हो गई तो उस दूसरे परिवार से आपका रिश्ता हो सकतेगा, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा, वो रिश्ता बोलाएगा सर्वांग समता का। समझ पाए पूरी तरह से, फिर से पूरी तरह से आप करिए आंखें बंद करके देखो, तो चीजों को बिल्कुल एकदम आपके सामने चीजें होना चाहिए। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने से फायदे ये है कि 11 चीजें बराबर हो जाएगी, तो पहले तीन चीजें बराबर कर ले, तीन चीजें पहली शर्त ये हो रही है कि दो कोणों के बीच में अगर एक भुजा बराबर हो गई तो त्रिभुज सर्वांग सम, ठीक है। उसके बाद दो भुजाओं के बीच में एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम। दूसरा, उसके बाद तीसरा, तीनों भुजाएं अगर बराबर है संगत रूप, ध्यान रखिएगा संगत शब्द इंपोर्टेंट है, अगर AB के सर्वांग सम DEF तो फिर इसको घुमा के आपको इसकी आकृति में करना पड़ेगा, यहां DEF की जगह आपको दूसरी चीज लिखाना, सर्वांग सम तो होंगे उसका फिर DEF की जगह उसका क्रम बदल जाएगा, ठीक है। तो AB तीनों भुजाएं बराबर हो तीसरा हो गया, चौथा क्या हो गया एक संपूर्ण त्रिभुज और उसके कर्ण और बची हुई कोई भी भुजा दोनों में से लंब और आधार अगर बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाए, और उसके बाद पहले का उल्टा यानी दो कोणों के बीच में अगर एक भुजा है उसकी इस भुजा को निकाल के इस या इसमें हो तो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। अब यहां पर क्या होगा ये सत्य नहीं, ध्यान रखना ये सत्य नहीं और ये भी सत्य नहीं। एक बात है सत्य नहीं का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो यहां पर परीक्षा में प्रश्न क्या आएंगे, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वदा सत्य है, सर्वदा सत्य है। तो ध्यान रखिएगा पहला देगा वो एक कोण और उसके बाद बची हुई दो भुजाओं के बीच में, ठीक, दो भुजाएं और उसके बाद बचा हुआ कोण के बीच में और उसके बाद तीनों कोण। आपको लग रहा होगा तीनों कोण तो इन दोनों को तो चलो आपने मान लिया कि सत्य नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ध्यान रखिएगा, पर सर्वदा सत्य नहीं। अब तीनों कोण बराबर हैं तो सब आप बोल रहे तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होना चाहिए ना। प्रभु मेरे आपने सर्वांग समता के बारे में क्या सीखा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। देखिए मैंने बनाया ये त्रिभुज जिसमें यहां पे 60 डिग्री यहां पे 60 डिग्री और यहां पे 60 डिग्री, क्योंकि तीनों त्रिभुज तीनों कोण बराबर होंगे तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। पर क्या जरूरी है कि ये मैंने कोण बनाया और इसके भी 60 डिग्री इसके भी 60 डिग्री और इसके भी 60 डिग्री, पता है आपको इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ क्या त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, नहीं हो सकते साहब। ये त्रिभुज इसको ढकने जाएगा तो ढकाएगा ही नहीं और इसको ढकने जाएगा तो वो तो पूरा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ तीनों कोण बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि पांच कंडीशन में त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और इन तीन कंडीशनों में त्रिभुज सर्वांग सम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो आप आगे जाके हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। अब हम आगे इस वीडियो के आगे पार्ट नंबर 6 में देखिए अभी हम पढ़ेंगे। देखो पहली बात पे फिर बताऊं आपकी ज्यामिति बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो रही है। यहां पे सबसे पहले पढ़ा आपने जो सबसे 4 वीडियो में पढ़े उसके बाद 5वें वीडियो में पढ़ा त्रिभुजों की सर्वांग समता। पूरी तरह से आंखें बंद करके उन पांचों को रिवाइज करिएगा
क्यों जरूरी है इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताएंगे सर। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? देखो चीजों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको कैसा लगा, तब कैसा लगा तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा? उसके लिए आपको लाइक बटन प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको वाकई में रियली अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन प्रेस करिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको सुधारेंगे। निंदक नीरे रखिए तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।